ग्राउंड वाटर मॉडलिंग पर 4 दिवसीय एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार और गोरांग एब्यूरोमेटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के तत्वाधान में होटल फंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार और गोरांग एब्यूरोमेटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के तत्वाधान में हुए इस 4 दिवसीय एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस बात पर चर्चा की गई कि किस तरीके से भूजल के गिरते जल स्रोत के बारे में प्लानिंग की जाए और किस तरह से गिरते भूजल स्तर के औद्योगिक उपयोग से पूर्व योजनाएं तैयार की जाए, किस तरह से उसके दक्षता के साथ भूजल का उपयोग हो, उसका रिचार्ज हो और किस तरीके से इसके जरिए गिरते भूजल की स्थिति को सुधारा जाए, इन सब विषयों पर विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए। यहाँ पर कार्यशाला में NIH रुड़की से डॉक्टर सुमंत कुमार, डॉक्टर नितेश पाटीदार, MNIT से प्रोफेसर रोहित गोयल एवं डॉक्टर दुर्जय चक्रवर्ती, जो सेवानिवृत्त हैं, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक हैं, के द्वारा देश भर से आए हुए प्रतिभागियों, जिनमें विभिन्न भूगर्भ वैज्ञानिक, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के विशेषज्ञ, उद्योगपति और भूजल सलाहकार को भूजल मॉडलिंग के संदर्भ में जानकारी दी गई। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण विभाग की ओर से 24 अगस्त को जारी अधिसूचना के नियमानुसार सभी उद्योग जिनका प्रतिदिन भूमि जल का उपयोग 500 KLD से अधिक है, ऐसे उद्योगों को GWIA की रिपोर्ट की आवश्यकता है। मौजूदा दौर में सीमित विशेषज्ञों के चलते NOC का निर्धारण करने में विलंब होगा, जिससे औद्योगिक विकास में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस समस्या को एड्रेस करने के लिए गोरांग एनवायरमेंटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जयपुर स्थित MABET से मान्यता प्राप्त EIA भू जल सलाहकार, भारत की अग्रणी कंपनी है, इसे कार्यशाला का आयोजन NIH के संयुक्त तत्वाधान में सफलतापूर्वक करवाया। कुल मिलाकर इस 4 दिन की इस कार्यक्रम में इस बात पर चर्चा हुई कि गिरते भूजल को किस तरीके से रोका जाए और किस तरीके से इसका दक्षता के साथ भूजल का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में हो और उसका स्तर किस तरीके से बढ़ाया जाए। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो है आज के डेट में बहुत क्रिटिकल है और ग्राउंड वाटर लेवल डिक्लाइन होते जा रहे हैं डे बाई डे, राइट। सो मॉडलिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि आज तक या प्रीवियस डाटा या अभी अपने पास ऑब्जर्व डाटा तो है, मॉनिटर हो रहा है फील्ड में, जो कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड करता है, वो ईयरली करता है और ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट भी करता है कि हमारे पास इतना, जैसे 433 BCM है एनुअल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है अपने पास। बट अभी हम लोगों ने मॉडलिंग प्लान किया दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने कि मॉडलिंग इसलिए करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। और अभी रिसेंटली CGWA जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, उन्होंने ये कहा है कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है या जो भी इंडस्ट्रीज हैं इनफैक्ट, तो उनके लिए एक वो किया है कि आप जब भी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फ्यूचर में क्या होगा, कोई निगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा वाटर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में बेसिकली, राइट। तो हम कैसे जानेंगे कि 5 साल बाद या 10 साल बाद क्या इम्पैक्ट आएगा, आज जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर हम लोग कर रहे हैं, राइट, इवन इन डोमेस्टिक पर्पसेज ऑल्सो द डिमांड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, है ना। तो उसके लिए ग्राउंड वाटर मॉडलिंग करना बहुत जरूरी है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमारा ग्राउंड वाटर लेवल डिक्लाइन हो रहा है या फिर कई केसेज में राइज भी हो रहा है, हर जगह ऐसा नहीं है कि ग्राउंड वाटर लेवल डिक्लाइन ही हो रहा है ना। जहां भी अगर आपके रिचार्ज ज्यादा हो रहा है, दो चीजें होती हैं ग्राउंड वाटर में कि ग्राउंड वाटर हमारा जो है ये अंडरग्राउंड रिजर्वायर है बेसिकली, तो इसमें बारिश का जो पानी होता है तो जो मेन रिचार्ज है नेचुरल रिचार्ज जो है दिस इज ड्यू टू द रेनफॉल बेसिकली, तो रेनफॉल से जो रिचार्ज हो रहा है वही हमारे ग्राउंड वाटर में जा रहा है। और फिर अगर उससे हम ज्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे एनुअली, जो भी जैसे राजस्थान में 500 mm एनुअल रेनफॉल है, एवरेज एनुअल रेनफॉल 500 mm है, अब उसमें से कुछ पोर्शन रिचार्ज होकर हमारे ग्राउंड वाटर में गया, जितना गया अगर उससे ज्यादा हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ग्राउंड वाटर लेवल डिक्लाइन होगा, राइट।
अभी CGWA ने भी कर रखा है कि जो भी रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी आजकल मैंडेटरी हो गया है, तो CGWA ने भी कह रखा है कि जो हमारे इंडस्ट्री ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट उसका पॉजिटिव है निगेटिव है। निगेटिव है देन पॉलिसी प्लानर एंड दे कैन डिसाइड इधर वी हैव टू गो फॉर दिस प्रोजेक्ट और नॉट, राइट। सो फॉर दैट पर्पस ग्राउंड वाटर प्रोफेशनल्स के लिए ऑल ओवर इंडिया से आए हैं पार्टिसिपेंट हमारे, इवन फ्रॉम गुजरात ऑल्सो, गुजरात, भुवनेश्वर या चेन्नई, तो देर आर मेनी ग्राउंड वाटर प्रोफेशनल जो कि यहाँ पे आए हैं। और यहाँ हम लोग पिछले चार दिन से 5 to 8 months सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी सर किस तरह का मेंशन किया गया, कुछ निष्कर्ष निकला इस पूरे वर्कशॉप में कि किस तरह से काम करना चाहिए आगे? देखिए ये जो ट्रेनिंग का वर्कशॉप किया गया इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आने वाले समय में भूजल का जो दोहन हो रहा है उसके प्रति किस तरह से काम किया जाए, उसको कैसे समझा जाए और उसके लिए जो क्या इम्पैक्ट होता है उसके लिए क्या, उसके बाद इम्पैक्ट होने के बाद उसके लिए क्या चीज़ें रिकमेंडेशन होनी चाहिए जिससे कि हम रिचार्ज बढ़ा सके और भूजल का जो दोहन हो रहा है उसको हम कम कर सके। इसमें ना केवल सिर्फ ये है कि रिचार्ज करना, दूसरा चीज़ है कि इंडस्ट्री को इम्पैक्ट हमारे जो गाइडलाइंस में ये है कि वाटर यूज एफिशिएंसी, दैट मीन्स जल का इस तरह से करेंगे आप टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करके एक वाटर यूज एफिशिएंसी मेजर करके वाटर ऑडिट करेंगे हर एक साल में और उसका आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे, तभी आपका जो NOC जो होगा, जो क्लियरेंस हम देते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, वो आपका तभी कंटिन्यू होगा। तो बेसिकली इसमें हमने दो चीज़ को एक तो रिचार्ज मेजर्स क्या होगा आउटकम इम्पैक्ट असेसमेंट के, और दूसरा है कि वाटर ऑडिट करके वाटर एफिशिएंसी को किस तरह से, जिससे कि कुछ चीज़ों के लिए फ्रेश वाटर की जरूरत नहीं है तो ये रिसाइकल वाटर, रीयूज वाटर, इन सब का किस तरह से मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें, तो हम औद्योगिक क्षेत्र को हम एक्स्ट्रा पानी आने से फ्रेश ग्राउंड वाटर नहीं देंगे, उनको उतना ही पानी में मैनेज करना और जितना भी रिसाइकल और रीयूज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना जिससे कि आप वाटर रिसोर्स को सेव कर सकें। ठीक, चर्चा चल रही है, किस तरह का मंथन हुआ और कुछ निष्कर्ष निकला इस समाधान के लिए? ये चार दिन का हम लोगों ने एडवांस ट्रेनिंग कोर्स कराया है NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रूड़की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन का एक R&D ऑर्गेनाइजेशन है, प्रीमियर R&D ऑर्गेनाइजेशन है, विद गोरांग इन्वायरमेंटल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जय। हम दोनों ने ये चार दिन का ट्रेनिंग कोर्स ऑर्गेनाइज किया है फॉर ग्राउंड वाटर प्रोफेशनल्स, और इसमें हम लोगों ने ग्राउंड वाटर बेसिक से स्टार्ट, हाइड्रोजियोलॉजी से स्टार्ट करते हुए हम लोग मॉडलिंग तक पहुँचे, और मॉडलिंग में हम लोगों ने बताया, और ये CGWA का रिक्वायरमेंट भी है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का, जो भी इंडस्ट्रीज हैं इनफैक्ट कमर्शियल्स बिल्डिंग ऑल्सो, कि उनको रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है रिचार्ज के लिए, और प्लस में इनका इम्पैक्ट क्या होगा, तो इम्पैक्ट स्टडी करने के लिए मॉडलिंग जरूरत होती है कि आने वाले 5 साल 10 साल इवन 15 साल बाद क्या होगा, हमारा ग्राउंड वाटर लेवल ऐसे ही डिक्लाइन हो रहा है बहुत सारे ब्लॉक्स में, क्योंकि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड मॉनिटरिंग करता है ग्राउंड वाटर लेवल का और ग्राउंड वाटर रिसोर्स एसेस भी करता है, तो उनके बेस पे ही अभी आज के डेट में एज ऑफ 2020 17% ब्लॉक्स जो है वो ओवर एक्सप्लॉयटेड है थ्रू आउट द इंडिया, तो वो हम लोग मॉडलिंग अभी से कैसे पता करेंगे कि आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल में क्या होगा, इधर इट इज़ डिक्लाइनिंग और इट इज़ कमिंग अप, सो इस पर्पज़ के लिए हम लोगों ने ये ट्रेनिंग कोर्स किया है, और इससे ये आउटपुट निकल के आया है कि अगर आप मॉडलिंग कर रहे हैं तो कोई भी स्ट्रेस कंडीशन लाइक पंपिंग अगर बढ़ रहा है तो फिर क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है, या फिर अगर हमने रिचार्ज बढ़ा दिया जो कि ये नीड ऑफ द डे है, रिचार्ज हमें करना ही करना है क्योंकि हम लोग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रिचार्ज बढ़ा दिया तो फिर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं कि रिचार्ज अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है अप होगा, तो ये हम लोग ने अभी जो है इस ट्रेनिंग कोर्स के दौरान ग्राउंड वाटर प्रोफेसर को बताया। एक बार आपका नाम और परिचय। मैं डॉक्टर सुमंत कुमार, वर्किंग एज ए साइंटिस्ट डी इन ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी डिवीजन एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की। ये वर्कशॉप की आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्यों यहाँ पर मंथन किया जा रहा है? क्योंकि राजस्थान की जो स्थिति है वो काफी खराब है, 185 से ज्यादा जो ब्लॉक है वो पूरी तरह से डार्क जोन में चले गए हैं, तो क्यों आवश्यकता पड़ रही है इस मंथन की? इस मंथन की आवश्यकता सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के सितंबर 2020 में आए हुए नोटिफिकेशन के बाद में पड़ी है, जहां पे उन्होंने ये कहा है कि राजस्थान में फर्दर किसी भी इंडस्ट्री को ग्राउंड वाटर की परमिशन हम तब देंगे जब वो इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बना के हमको सबमिट कराएंगे। अब हमारे साथ समस्या क्या है कि पूरी कंट्री के अंदर देर आर ओनली 17 कंसल्टेंट्स जो कि ग्राउंड वाटर मॉडलिंग के लिए अप्रूव्ड है,
और कंट्री में अगर आप प्रोजेक्ट्स के नंबर्स देखेंगे तो दे आर मोर देन 40,000, तो अकेले वो 11 या 17 लोग नहीं कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये था कि उन ग्राउंड वाटर प्रोफेशनल्स की संख्या को बढ़ाया जाए बाय ऑर्गेनाइजिंग अ प्रोफेशनल कोर्स, एंड हु बेटर देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का ही एक भिन्न हिस्सा है। इसलिए ये प्रोग्राम हम लोगों ने NIH के साथ में ऑर्गेनाइज कराया है, जिसमें देश भर से सभी लोगों ने हिस्सा लिया है। यहाँ पे हमारे पास में भुवनेश्वर से, तमिलनाडु से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, सभी जगह से लोग पार्टिसिपेंट्स आए हैं, इन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। सर, मेरा नाम विपुल खंडेलवाल है एंड आई एम डायरेक्टर ऑफ गौरांग एनवायरमेंटल सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड।